नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अकबर का साला। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ डमरी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की भी बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही, सेठ डमरी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ डमरी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इस्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ रखा है तो उसका भी पता बताते हैं। यह बात शहर में आग जैसे फैल गई। सेठ डमरी लाल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इनके पूर्वज इन्हें दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं
तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।